बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम चैप्टर कर रहे हैं अबेटमेंट, चैप्टर 5। अबेट का लफ्जी माने होता है एआनत करना, मुआवनत करना, मदद करना। और अबेटमेंट एआनत जुर्म, और अबेटमेंट करने वाले को अबेटर कहते हैं, उर्दू में मुइन कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अबेटर, सेक्शन 108 पीपीसी। पहले इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूं जैसा कि इस सेक्शन में प्रोवाइडेड है, फिर आगे। इस सेक्शन में कुल 5 एक्सप्लेनेशंस हैं और 8 या 9 इलस्ट्रेशंस हैं। So definition read out as: a person abets an offense, who abets either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense, if committed by a person capable by law of committing an offense, with the same intention or knowledge एज दैट ऑफ अबेटर। यानी एक शख्स जुर्म की एआनत करता है, अबेटमेंट करता है, जो या तो इर्तिकाबे जुर्म की एआनत करता है या किसी फेल के इर्तिकाब की, किसी एक्ट के इर्तिकाब की, जो जुर्म होगा अगर उसका इर्तिकाब ऐसे किसी शख्स ने किया है जो कानून की नजर में इर्तिकाबे जुर्म का कैपेबल है, उसी नॉलेज और नियत से जो मुइन की है, अबेटर की है। कैपेबल बाय लॉ, हमने पहले एक लेक्चर में इस पे बात की है। कुछ लोग कैपेबल बाय लॉ नहीं होते, मसलन 7 साल से कम उम्र का बच्चा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेशन में इंसान, वगैरह वगैरह। कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं, हु आर नॉट डीम्ड बाय लॉ टू बी कैपेबल बाय लॉ टू कमिट ए क्राइम। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 की। एक्सप्लेनेशन हो या इलस्ट्रेशन हो, दीज आर प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर, मुकन्नना ने, कानून साजों ने ये इनकी एनेक्टमेंट किया, लिहाजा इनकी वैल्यू उसी तौर से है जिस तौर से सेक्शन के अल्फाज की वैल्यू है। और इनके दिए जाने का मकसद ये है ताकि कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो सके, वो पैरामीटर्स बता दिए जाते हैं कि विद इन दीज पैरामीटर यू आर टू ट्रेवल, यू आर टू इंटरप्रेट। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, किसी फेल की एआनत बजरिया तरके फेल, इलीगल ओमिशन करना किसी फेल की अबेटमेंट के लिए, मे अमाउंट टू एन ऑफेंस, मुमकिन है वो जुर्म बन जाए, चाहे अबेटर खुद मुइन चाहे खुद वो फेल एक्ट करने का पाबंद ना भी हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एआनत का जुर्म बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जिस फेल की एआनत की गई है उसका इर्तिकाब भी हो या उसका असर भी सामने आए। जब एआनत कर दी गई तो एआनत की हद तक जुर्म उसी वक्त मुकम्मल हो जाता है। एक्सप्लेनेशन 2 की इलस्ट्रेशन ए, ए आमादा करता है बी को कि सी को कत्ल करे, आमादा करता है, इंस्टिगेट करता है, लेकिन बी इनकार कर देता है। ए बी के कत्ल की अबेटमेंट का गिल्टी है, उसका जुर्म मुकम्मल हो गया। अब इलस्ट्रेशन बी क्या कहती है, ए बी को इंस्टिगेट करता है कि वो डी का कत्ल करे, बी इस इंस्टिगेशन के नतीजे में डी को स्टैब करता है, छुरा मारता है, डी शदीद जख्मी हो जाता है लेकिन रिकवर हो जाता है, सेहत याब हो जाता है। ए गिल्टी है बी के कत्ल की इंस्टिगेशन के जरिए अबेटमेंट का।
अब एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री, ये जरूरी नहीं है कि जिस शख्स को अबेट किया गया है वो कैपेबल बाई लॉ भी हो इर्तिकाबे जुर्म के लिए, या ये कि उसका भी वही नॉलेज और नियत हो जो अबेटर की है, अबेटमेंट करने वाले की है, या कोई भी मुजरमाना नियत या नॉलेज हो, ये जरूरी नहीं है। इलस्ट्रेशन ए, ए मुजरमाना नियत से किसी चाइल्ड बच्चे या किसी बेअकल शख्स इनसेन पर्सन को अबेट करता है, इयानत जुर्म करता है, अमादा करता है किसी ऐसे फेल करने की जो जुर्म हो, अगर कोई कैपेबल बाय लॉ शख्स करे, ऐसे में अगर उस जुर्म का इर्तिकाब हुआ या नहीं हुआ, ए ने जुर्म की इयानत का इर्तिकाब कर दिया, इयानत जुर्म किया तक ए गिल्टी हो गया। अब इलस्ट्रेशन बी है, ए जेड के कत्ल की नियत से बी को जो 7 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको अमादा करता है, इंस्टिगेट करता है कि वो ऐसा फेल करे जिससे जेड को मौत आ जाए, यानी मर जाए, कत्ल हो जाए। बी इयानत के नतीजे में ए की गैर मौजूदगी में वो एक्ट कर देता है और जेड की मौत हो जाती है। अब बी कैपेबल बाई लॉ भी नहीं है क्योंकि वो 7 साल से कम उम्र का है जुर्म के इर्तिकाब के लिए, लेकिन ए लायबल है उसी तौर पे सजा के लिए जैसे कि बी कैपेबल बाई लॉ होता इर्तिकाब जुर्म के लिए, और कत्ल किया इसी तौर से ए को सजा मिलेगी जैसे बी कैपेबल बाई लॉ होता तो मिलती, और उसको डेथ की सजा का लायबल है। इलस्ट्रेशन सी, ए बी को जो अनसाउंड माइंड का है, पागल है, इंस्टिगेट करता है कि वो किसी शख्स के घर को आग लगा दे। बी इस इंस्टिगेशन के नतीजे में, अब यहां पर एक बात कि बी जो है वो अपने फेल की नौयत को नहीं समझ सकता, बीइंग ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और ना ही ये समझ सकता है कि उसका फेल गलत है या खिलाफ कानून है, मकान को आग लगा देता है। बी ने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन ए गिल्टी है रिहायशी मकान को आग लगाने के जुर्म की इयानत का, और अकॉर्डिंगली उसकी सजा के लिए लायबल, जिम्मेदार। इलस्ट्रेशन डी, ए चोरी करने की नीयत से बी को इंस्टिगेट करता है कि वो जेड की चीज जो जेड की मिल्कियत है और उसके पोजेशन में वो ले आए। बी इन गुड फेथ नेक नियति से ये समझता है कि वो चीज कहें या प्रॉपर्टी कह दें कि वो प्रॉपर्टी ए की है, और इसी गलत फहमी से बगैर बदनीति के ले आता है, लिहाजा बी ने चोरी का जुर्म नहीं किया। ए चोरी के जुर्म का गिल्टी है और चोरी के जुर्म की इयानत की जो सजा है उसके लिए लायबल है, जिम्मेदार है। एक्सप्लेनेशन नंबर फोर, जुर्म की इयानत जुर्म है और इयानत की इयानत भी जुर्म है उसी तौर से, और सेम सजा होगी। अब इसकी इलस्ट्रेशन, ए बी को इंस्टिगेट करता है, अमादा करता है कि वो सी को इंस्टिगेट करे कि वो जेड का कत्ल कर दे। बी अकॉर्डिंगली सी को इंस्टिगेट करता है कि वो जेड का कत्ल करे, और सी जो है वो बी की इंस्टिगेशन के मुताबिक जेड का कत्ल कर देता है। बी सजा का हकदार है यानी थे जुर्म कत्ल की, और ए भी उसी तरह कत्ल के जुर्म की इयानत के जुर्म का सजादार है, यानी डेथ सेंटेंस का हकदार है। एक्सप्लेनेशन नंबर फाइव, इयानत जुर्म बजरिया साजिश बराए इर्तिकाबे जुर्म के मुइन जुर्म को, यह जरूरी नहीं है कि जो अबेटर है
वो जुर्म को कनेक्ट करे, ये जरूरी नहीं। उस शख्स से जिसने जुर्म का इर्तिकाब किया, ये काफी है कि वो उस शख्स के वो और वो शख्स एंगेज थे जिसके नतीजे में जुर्म का इर्तिकाब हुआ, यानी साजिश में शामिल थे। अब इसकी इलस्ट्रेशन, ए बी से हमांग होकर, बीइंग इन कंसर्ट विद बी, जेड को जहर देकर मारने का प्लान करता है और ये तय पाता है उनके बीच कि ए जो है वो जहर देगा, शेल एडमिनिस्टर पॉइजन। बी सी को नाम बताए बगैर, ये नहीं बताता कि कौन ये जहर देगा, मुत्तफिक कर लेता है कि वो जहर का बंदोबस्त करे और लाकर बी को दे ताकि वो तयशुदा मनसूबा के मुताबिक आगे दे और वो शख्स यानी जो ए है वो उसको एडमिनिस्टर करे। सी वो जहर ला के दे देता है बी को। अब ए और सी की कोई मुलाकात नहीं है, कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है, पता भी नहीं। और ए जो है, बी जो है वो ए को दे देता है, ए एडमिनिस्टर करता है जहर और जेड मर जाता है। ये दुरुस्त है कि ए और सी साजिश में इकट्ठे बैठ के शामिल नहीं हुए, कंस्पायर नहीं किया, फिर भी सी जो है वो साजिश में शामिल तस्वर होगा जिसके नतीजे में जेड का कत्ल हुआ, और इसीलिए सी ने एयानत के जुर्म का इर्तिकाब किया और कत्ल के एयानत की जुर्म, अबेटमेंट की सजा इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वो जो जुर्म हुआ है उसी जुर्म की जो सजा है वो ही तस्वर होगी। अब कत्ल किया तो कत्ल की नॉर्मल सजा डेथ है, तो कत्ल के जुर्म की एयानत किया तो उसकी भी सजा डेथ है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।